तो ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं। पिछली बार जैसे हम लोग ने ट्रांसफॉर्म में कैसे कॉपीज़ निकालनी ये वेरिएशन देखा था, है ना, कॉपीज़ का ही बिहेवियर देखेंगे, लेकिन अब हमें प्रॉपर रोटेशन में कैसे कॉपी सेट करनी होगी उसके एक सिचुएशन दिखा रहे हैं और उससे कुछ डिज़ाइन बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले अपनी वेब फाइल ले रहे हैं, इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमने सबसे बेसिक शेप क्या लिया, सर्किल लिया, परफेक्ट। इसको सर्किल शेप में क्रिएट करें तो ऑल्ट और शिफ्ट का हमने क्या किया यूज़ किया, फिल कलर मान लो फिलहाल के लिए हमने इसका ग्रीन कर देते हैं। स्ट्रोक हम पूरी तरीके से इसका भी क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, क्रिएट किया था। फिर हमने एक लाइन सेगमेंट टूल से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन शिफ्ट के साथ ड्रैग करके क्या करी, सेलेक्ट करी। कलर इसका हमने स्ट्रोक का कुछ भी देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ब्लू कलर दे दिया। स्ट्रोक वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि थिकनेस हमें हैवी दिखे, ठीक। जितनी हमें गैपिंग चाहिए सर्कल्स के बीच में, दोनों का सिलेक्शन ले लेते हैं, अलाइन ऑप्शन में जा रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने परफेक्ट अलाइन किया ताकि इसका सेंटर बिल्कुल परफेक्ट मैच रहे। फिर इसकी रोटेशन में हम कॉपी चाह रहे थे तो डायरेक्टली हमने इस लाइन पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कहाँ पर गए, ट्रांसफॉर्म में, और हमने यहाँ से क्या लिया, रोटेट ऑप्शन, और यहाँ से जो हमने एंगल पुट किया कितना पुट किया, 60 डिग्री का। कॉपी करते हैं तो ये 60 डिग्री पे इसने कॉपी निकाली, कंट्रोल डी एक बार प्रेस किया, एक और कॉपी हमने निकाली। हम चाह रहे थे कि स्ट्रोक शेप में कन्वर्ट हो जाए तो हमने सारा सिलेक्शन लिया, शिफ्ट के साथ सर्किल का सिलेक्शन हमने रिमूव किया, ऑब्जेक्ट में गए, हमने ऑप्शन बताया हुआ था पाथ के अंदर आउटलाइन स्ट्रोक, तो ये जितना भी स्ट्रोक था हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, शेप में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो उसका फिल हमारा किस पे, यानी कलर उसका किस पे शिफ्ट हो गया, फिल पे शिफ्ट हो गया, ठीक। इतने एरिया को हम रिमूव करना चाह रहे थे तो सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, शेप बिल्डर टूल लिया, आर्ट प्रेस करके जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, कंट्रोल जेड, पहले पूरा सिलेक्शन ले लें सर्किल के साथ, देन हमने शेप बिल्डर टूल लिया, आर्ट के साथ जो हमें एरिया रिमूव करना है वो हम यहाँ से आर्ट प्रेस करके इसको रिमूव करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से उन शेप्स के बीच में देखो हमारा गैप क्या हो रहा है, प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है। जूम कर लें और ये सेंटर पोर्शन को पूरा क्लीन करें, दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप का हमने इन सर्कल्स के बीच में क्या क्रिएट किया, गैप सिलेक्शन ले लेते हैं और शिफ्ट के साथ अगर हमने रोटेट कराया तो ये 45 डिग्री पे रोटेट होगा, कंट्रोल जेड, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको फिर से राइट क्लिक किया, कहाँ पे गए, ट्रांसफॉर्म में गए और हमने क्या लिया, रोटेट लिया, और यहाँ पे कितना हमने पुट किया था, 60 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे मान लो इसको कितना पुट किया, 30 डिग्री का एंगल पुट कर दिया। तो जब हमने 30 डिग्री का एंगल पुट किया देखो ये बिल्कुल पैरेलल आ गया, इसे उसका एंगल बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल टॉप पे आ गया, लाइंस के कॉर्नर्स हमारे इस साइड क्या हो गए, पुट हो गए। फिर से हम यहाँ पे एक सर्किल शेप ले रहे हैं और ऑल्ट शिफ्ट लगभग सेंटर से बना रहे हैं जितना भी चाहिए ले लेते हैं। कलर हमने इसका मान लो फिलहाल अभी क्या किया, वाइट किया, इनके कलर्स चेंज कर देते हैं करने के लिए। मान लो जैसे हम येलो ले रहे हैं तो एग्जैक्टली येलो ना लें, थोड़ा सा आसपास का लो लें थोड़ा सा, तो देखो हमने कलर को थोड़ा सा इसके यहाँ पे चेंज किया, इस वाली शेप पे आ रहे हैं, मान लो हमने रेड लिया तो फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा क्या कर दें, ब्राइटर कर दें, ऑरेंज, तो अलग अलग पोर्शंस को हम क्या पुट कर रहे हैं, कलर पुट करते जा रहे हैं। ये ऊपर हमारा परफेक्ट सर्किल बना हुआ है तो इसलिए वो पूरी तरीके से शेप हमें कैसा दिख रहा है, व्हाइट फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, कुछ स्ट्रिप के में देखो स्ट्रिप्स नजर आ रही है, ये परफेक्ट। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, कलर हम चेंज कर चुके हैं, इसको हमने पूरी तरीके से क्या किया, ग्रुप किया, फिर से दोनों शेप सिलेक्शन में लिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन किया ताकि सेंटर वाइज ही बिल्कुल परफेक्ट रहे। कंट्रोल सी पुट किया, कंट्रोल एफ पुट किया, कॉपी निकाली इसके हमने, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके जो ये वाइट सर्किल है इसकी साइजिंग को हमने यहाँ से क्या किया, कम किया ताकि इन साइड एक और सर्किल शेप हमें बनता हुआ दिखे। अभी तक हम फ्लैट कलर यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें कलर मिक्सअप का एक ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, ग्रेडियंट, जिसमें लिखा हुआ क्या, वाइट एंड ब्लैक, क्लिक करेंगे हमने उस पर वो ग्रेडियंट क्या किया अपना पुट किया। एक डायरेक्शन में देखो ब्लैक एरिया दिख रहा है और एक डायरेक्शन में हमें कैसा दिख रहा है, वाइट एरिया। इसके एंगल को चेंज करने के लिए यहाँ पे टूल दे रखा है हमें, कौन सा, ग्रेडियंट टूल, क्लिक करेंगे और हम देखो यहाँ पे इसको टॉप से क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं और बॉटम तक ले जा रहे हैं। देखो यहीं पर टच कर देंगे तो वो ब्लैक एरिया दिखाएगा, थोड़ा सा नीचे तक ले जाएंगे तो वो ग्रे कलर को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो कुछ इस फॉर्म में हमने उस पर देखो क्या पुट किया अपना, ग्रेडियंट पुट किया।
स्क्वायर हम चाह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप बने, है ना। तो यहाँ पे आर्ट और शिफ्ट प्रेस करके बनाएं ताकि उसकी विड्थ और हाइट क्या रहे बिल्कुल इक्वल रहे। तो एक स्क्वायर शेप हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, ले लेते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, शिफ्ट के साथ रोटेट करा रहे हैं ताकि प्रॉपर 40, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 45 डिग्री पे वो शिफ्ट के साथ रोटेट कराने पे 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, कुछ ऐसा शेप आता हुआ दिख रहा है लगभग। हमने यहाँ पे रखा है इसको, इन शेप्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो हमने ये शेप लिया, है ना। अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है, देखो जब हमने ये सर्किल लिया शिफ्ट के साथ, ये शेप लिया, जब अलाइन करेंगे तो ध्यान से देखो नीचे का सर्किल भी क्या होगा, मूव होगा। और शायद हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि सर्किल में कोई भी पोजीशन क्या हो, चेंज हो। तो कंट्रोल जेड, हम चाहते हैं कि जब अलाइनमेंट हो तो केवल एक शेप ही हमारा मूव हो। तो सिचुएशन के लिए क्या करना है, वो शेप सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ वो सर्किल सेलेक्ट कर लो जिसके साथ हम अलाइन कर रहे हैं, और जिसे मूव नहीं कराना है उस पर एक बार और जाके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो डार्क लाइन में हमें क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली क्या किया, अलाइन किया, ध्यान से देखो केवल यही शेप हमारा क्या हुआ, अलाइन, सही है। यहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ऊपर के तीनों पॉइंट हमने सेलेक्ट करके इसको क्या किया, राउंड किया, तो शेप हमारा कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, आ रहा है। अब इसकी कॉपी हम इन पॉइंट्स के अराउंड में पुट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए इसका यहाँ का सेंटर पॉइंट हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा ताकि इसके अराउंड में वो क्या निकाले, हमारे लिए कॉपीज निकाले। अभी तक सेंटर पॉइंट हमने चेंज नहीं किया था, बस वहीं से हम उसके रोटेशन को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो जब भी हमें किसी शेप का सेंटर पॉइंट किसी दूसरे से मैच कराना होगा तो उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है, रोटेशन टूल पे आना है, टूल बार में हमें मिल रहा है कौन सा, रोटेट टूल, क्लिक करेंगे। और जैसे हमने रोटेट टूल पे क्लिक किया, वो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस तरीके से वो सेंटर पॉइंट शो कर रहा है। फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं रखना है इसको, यहाँ पे इससे मैच कराना है। तो देखो हम आल्ट प्रेस करके जब हमें ये सेंटर शो होगा, एग्जैक्टली हमने आल्ट प्रेस कर रखा है, और जब हमें ये सेंटर शो होने लगेगा देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो होगा क्या कि सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, प्लस अगर ध्यान से देखें कि वो शेप इसी के अराउंड में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। कितना एंगल हमें पुट करना है, 45 का अगर हम पॉइंट लें यहाँ पे बंद करके देखें तो 60 रखते हैं इसको, अगर हम परफेक्ट मिड पॉइंट हम चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल मिड पोर्शन पे आता हुआ दिख रहा है उसके। यहाँ से क्या करना है, हमें सिंपली कॉपी करना है, कर दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, इस टाइप का फिर से हमने उसी के अराउंड में हमने क्या निकाल दी, एक रोटेशन की कॉपीज निकाल दी। कलर बिहेवियर इनके फिर से चेंज करने से पहले यहाँ पे हमने कुछ इस फॉर्म में पहले कॉपीज निकाली है ना, इन कॉपीज़ को भी इसी कलर में रख रहे हैं। और यहाँ पे हम फिर से क्या ले रहे हैं, एक सर्किल शेप ले रहे हैं, इस सर्किल को हम फिर से इसके अराउंड में क्या कराएंगे, अलाइन कराएंगे। तो ये शेप लिया, शिफ्ट के साथ ये शेप लिया, और जिसे मूव नहीं कराना है उस पर हमें दोबारा क्लिक कर देना है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली हमने इसको क्या किया, अलाइन किया, ठीक। यहाँ पे आने के बाद आर्ट शिफ्ट के साथ क्या करेंगे थोड़ा सा, और हमने इसको स्केल किया कुछ इस फॉर्म में, शिफ्ट के साथ जितने भी ये शेप्स हैं हमने इनका क्या लिया, देखो सिलेक्शन ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, शेप बिल्डर टूल, आल्ट के साथ ये सारे एरिया हमने यहाँ पे क्लिक करके क्या किया, रिमूव किया। तो ध्यान से देखो वो शेप्स केवल यहाँ पे हैं, अब इनके कलर्स को हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एक जैसा रख सकते हो ग्रीन का, है ना, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो जो पैच है वो हमारा कुछ इस फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। शेप्स को हम फिर से सिलेक्शन में ले रहे हैं, जो भी कलर देना है, फिलहाल हमने कैसा दे दिया, वाइट का फॉर्म दे दिया, ठीक। और इफेक्ट्स में चले जाएं, डिस्टॉर्ट में, सर यहाँ पे स्टिलाइज में चले जाएं, और ऑप्शन मिल रहा है हमें क्या, ड्रॉप शैडो, क्लिक करेंगे तो सब पे उसकी खुद की क्या बन रही है, ड्रॉप शैडो। सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, प्लस फिर हम उसकी पोजीशन को एक साथ क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। कुछ इस फॉर्म में हमने एक लाइट से उसके बैक साइड में क्या दे दी, ड्रॉप शैडो, आ रहा है। तो इस टाइप के इन्फोग्राफिक्स हमें बहुत सी वेबसाइट्स के लिए, बहुत से ऐप के लिए, बहुत से अपने ऐड के लिए क्या करने होंगे, क्रिएट करने होंगे, जो क्रिएटिव भी दिखें और इफेक्टिव भी दिखें। अब इन आउटपुट्स में हम अपने कंटेंट्स को पुट कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया,
तो अपने अपना लोगो यूज़ करके उसको कहाँ पे सेट कर दिया, सेंटर में सेट कर दिया। और शिफ्ट इस टाइप के हमने कहा कि इन्फोग्राफिक्स अपने डिज़ाइंस के लिए हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे रोटेशन पे हमने कॉपीज़ का अरेंजमेंट किया, वो एक सिचुएशन हमने यहाँ पे दिखाई। अलग अलग तरीके से इस बिहेवियर को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। रोटेशन में कॉपीज़ निकालने का एक मेथड हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म से भी देखा है, फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, लाइन टूल लिया, देखो थोड़ा सा देखो बिहेवियर, बस हम लाइन टूल को अपने चेंज करने वाले हैं। कैसे, जो ये लाइन टूल लिया हमने, इसका स्ट्रोक कलर पहले चेंज कर देते हैं। तो स्ट्रोक कलर मान लो हमने पर्पल दे दिया, ठीक है। विड्थ तो हमें 1 पॉइंट अच्छी लग रही है ना। अब स्ट्रोक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़। तो अभी जो हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, एरो हेड यूज़ कर रहे हैं। एरो हेड में हमने क्लिक किया, बहुत सारे देखो एरो के स्टाइल दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा स्टाइल को ही ले लेते हैं, ये देखो फ्लावर वाला दे रखा है 39, हमने इसको यूज़ किया। ध्यान से देखो उस स्ट्रोक में इस टाइप से एक एरो का डिज़ाइन हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। फिर से स्ट्रोक पे क्लिक किया और फिर से ये एक साइड का एरो हेड था, ये दूसरे साइड का एरो हेड है। तो यहाँ पे हम इसके डिज़ाइन को फिर से डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ्लावर वाला भी दे रखा है, सर्कल भी दे रखा है, कई सारे पैटर्न दे रखे हैं। फ्लावर वाला ले लेते हैं फिर से। तो दोनों साइड में देखो उसके हमें क्या मिल रहा है, फ्लावर पैटर्न मिल रहा है, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं। हम लोग ने रोटेशन में कॉपीज यहाँ से भी देखी, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हमने क्या लिया, ट्रांसफॉर्म लिया, प्रीव्यू किया। नंबर ऑफ यहाँ पे कॉपीज़ हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें एक एंगल यहाँ पे पुट करना होगा। देखो चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बार हमने इसकी वर्टिकल स्केल वैल्यू, ये जो स्केल वैल्यू यहाँ से हम ये भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी क्या कर दी, कम कर दी, 98 कर दी। तो थोड़ा सा साइज़ में देखो वेरिएशन दिखा है ना। और रोटेशन कॉपीज हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखो अब उसमें कुछ ऐसा बिहेवियर हमारे लिए देखो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर हम इसके सेंटर पॉइंट को चेंज करना चाहें तो पैटर्न में डिफरेंस हमें आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हमने सेंटर पर रखा है ताकि दोनों तरफ से मिले। ये साइजिंग हम थोड़ा सा और छोटी करते हैं ताकि इसमें तो कोई एक रैंडम बिहेवियर मिले हमें। और नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब बहुत सारी कॉपीज़ यहाँ पे छोटी होती चली जा रही हैं। तो हमने कहा कि जो भी हम यहाँ पे अपना एंगल पुट कर रहे हैं वो हमारे डिज़ाइन को बहुत क्रिएटिव अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में क्या कर रहा है, देखो पुट कर रहा है। तो एक रैंडम पैटर्न देखो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। नंबर ऑफ कॉपीज़ और हम बढ़ा दें, अगर और बढ़ा देते हैं एंगल को हम अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने कहा डिज़ाइन में बहुत हमें अलग वेरिएशन दिख रहा है, बढ़ा दिया। यहाँ से हम पोजीशन भी एक्स और वाई में क्या कर सकते हैं, इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन का पैटर्न और डिफरेंट आता हुआ दिख रहा है। तो ये बिहेवियर हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था ट्रांसफॉर्म की। यहाँ से भी देखो हम इसको क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं जैसा भी हमें चाहिए। फिर से ज़ीरो कर रहे हैं यहाँ पे, इन पर हम ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ इस रोटेशन को ही हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं। और सेंटर पॉइंट फिर से जरा राउंड करें, जितना रैंडम ये इतना अच्छा दिख रहा है। इसको यहाँ से हमने क्या किया, ओके किया। इस टाइप के देखो फिर से हम पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, सबसे पहले इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें, आर्ट शिफ्ट के साथ साइज वेरिएशन कर दें। दिख रहा है कुछ ऐसा बिहेवियर आता है। अब आगे जब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे कौन से, कुछ और भी ऑप्शन दे रखे हैं देखेंगे। जैसे कि दे रखा है क्या, रैप टूल ले लेते हैं। और देखो रैप टूल से इनके डिज़ाइंस में शेप को बिहेवियर को और अनइवन कर रहे हैं, जिससे डिज़ाइन बिल्कुल एक अलग लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है, जो हमारे बैकग्राउंड्स में बहुत इफेक्टिवली वे में क्या हो सकते हैं, यूज़ में आ सकते हैं। आगे ऑप्शन दिखाएंगे डिटेल वे में, तब समझ में आएगा रैप टूल कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेंड हमने कर ही दिया है ना, पूरी तरीके से हम एक्सपेंड इसको और कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने एक्सपेंड कर दिया, अब इसमें हम अपना ग्रेडियंट भी पुट कर पाएंगे, जैसे अभी हमने पुट किया था। जब ग्रेडियंट पुट करेंगे तो उसमें दो कलर यूज़ कर पाएंगे ग्रेडियंट फॉर्म से। तो आगे हम लोग ग्रेडियंट भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, बस अभी इस पर एक अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि कैसा बिहेवियर हमारा चेंज होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे पैटर्न्स हमारे कुछ इस टाइप के डिज़ाइंस के बनते हुए दिख रहे हैं। इसको फिर से हम रोटेट करा सकते हैं डिज़ाइन को अपने। रोटेट कराने के लिए अभी हमने देखा रोटेशन टूल, आर्ट के साथ हमने रोटेशन टूल लिया और सिंपली आर्ट के साथ हमने बस क्या किया, क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ कॉपीज़ जितनी भी हमें चाहिए थी, मान लो हमने इसको 45 डिग्री पे क्या निकाल दी, सी कॉपी निकाल दी। ये डिज़ाइन हमारा देखो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जो हमारे बैकग्राउंड्स में बहुत सी जगहों में क्या हो पाएगा, यूज़ में आ पाएगा। अलग अलग कलर थीम्स में हम पुट करेंगे। अलग
अलग अलग कल यहाँ पे ग्रेडियंट सपोर्ट करते जा रहे हैं, बिहेवियर वैसा ही चेंज। तो आगे इस टाइप के पैटर्न्स भी क्रिएट करके देखेंगे जो हमारे डिज़ाइन को बहुत इजी और इफेक्टिव करेगा। इस टाइप के इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग ट्राई करेंगे।